नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और आज हमारा ये तीसरा भाग है पोल्ट्री फार्म का। जैसे आपने इससे पहले वीडियो देखी होगी, भाग वन में हमारा था कि फार्म की कैसे साफ़ सफाई की जाती है, और दूसरे जो भाग था हमारा उसमें था चूजों का, जब चूजा 1 से 7 दिन के था उसके बारे में। और आज हमारा बच्चा ये 18 दिन का हो गया है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और जो हमारे नए फार्मर इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देख के। पहले इसको ब्रूडिंग में हमने रखा था 7 दिन, उसके बाद हमने धीरे धीरे जगह बढ़ाई है इसकी जी। हर तीसरे दिन दूसरे दिन हमने 5 फुट 10 फुट जगह बढ़ाते हुए अब इसको आधा फार्म खोल दिया हमने। 18 दिन का हो गया है, आधा फार्म खोल दिया है। लगभग ये जो है 23 दिन के आसपास है, 25 दिन का जब बच्चा हो जाएगा इसका पूरा फार्म खुल जाएगा जितनी इसको जगह चाहिए। अगर हमारा 3,500 बच्चा है तो उसको 3,500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो हमारा पूरा 25 दिन में पूरा खुल जाएगा। तो जगह टाइम पे मिलनी चाहिए, बुरादा एकदम नीचे सूखा रहना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए नीचे। थोड़ा ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये इसके नीचे काफ़ी गीला कर देता है बच्चा, तो इसको सूखा रखना है। इसमें रैकिंग होती है, वेंटिलेशन जो है देखो हमने पर्दे नीचे कर रखे हैं अभी ऊपर के, ताकि ऑक्सीजन भी आती रहे और अमोनिया भी बाहर निकलती रहे। पर्दे हमेशा ऊपर से ही खुलेंगे, नीचे से ऊपर नहीं होंगे, ऊपर से नीचे खुलेंगे। ये देखो फीडिंग सिस्टम है, ये इसका फीडर है जी जी। इसको जो है भरना पड़ता है इसको, तो इसमें हमने फीड भरा हुआ है, अपना आप इसको खा रहे हैं बच्चे। और जो है ये इसका जो है फीडर है, ये फीडिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा हाँ, ये ठीक है, ये इनका पानी का है, ऑटोमेटिक इसमें पानी पी रही है। टैंक जो है ऑटोमेटिक टैंक लगा हुआ है ऊपर, उससे पानी आ रहा है, तो इसमें पानी पियेंगे। इसकी हाइट भी बच्चे के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जी। सर आपने पिछली बार हमें बताया था कि इनकी गर्दन छोटी है तो ऑटोमेटिक पानी चलाएं था, अब गर्दन बड़ी होगी ना, साइज बड़ा हो गया, बढ़ गया, 700 ग्राम का बच्चा हो गया है हमारा। अच्छा 700 ग्राम का है ये, तो अब इसमें दाना पानी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, अब तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है फार्म में इतना, तो बच्चा छोटा रहता है तभी काम रहता है इसमें। और सर मैं देख रहा हूँ थोड़ा आपने इसे खोला भी है जी, पर ऊपर से खोले हैं वेंटिलेशन के लिए खोले, ताकि बच्चे को हवा भी ना लगे और ऊपर से हवा भी आती रहे फार्म के अंदर, और जो गैस बन रही है फार्म के अंदर वो भी बाहर निकलती रहे। अच्छा, और बच्चा बीमार भी ना हो हमारा। तो वही देखो बच्चा पूरा खुल के बैठा हुआ है एकदम, बहुत शानदार तरीके से बच्चा बैठा हुआ है, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही, कंफर्ट में बैठा हुआ बच्चा एकदम, स्ट्रेस में नहीं है बिल्कुल। जो सर आपने यहाँ पे हमने देखा था आप लोग बुरादा फैला रहे थे जी, ये बुरादा ही है, तो वही बुरादा है, वही बुरादा है, ये लकड़ी का बुरादा है, ये आरा मशीन का सॉ डस्ट बोलते हैं इसको जी जी, आरा मशीन का बुरा, आरा मशीन से जो निकलता है वो बुरादा है ये। तो सर अभी जैसे बच्चा ये अभी हमारा हो गया 18 दिन का, 18 दिन का हो गया है, 700 ग्राम का वेट है इसका। अच्छा, अब ये और 18 दिन में पूरा 2 kg तैयार हो जाएगा, इसको अभी और जगह चाहिए। आप थोड़ा देख रहे हो आपका पूरा बच्चा फार्म में फैला हुआ है जी जी, तो अब इसके लिए जगह ये और जगह मांग रहा है ये जी जी, तो और जगह इसको देते रहेंगे धीरे धीरे, 25 दिन में पूरा फार्म खोल देंगे, तो उसके बाद जो है ये तैयार होता रहेगा ना, 35 दिन में रेडी हो जाएगा, 2 kg तैयार हो जाएगा ये। अच्छा, क्या केयर करनी पड़ती है हमारे जो नया फार्मर आएगा, क्या इस तरह से मेडिसिन या कुछ दवाई इनकी? मेडिसिन भी होती है इनकी, विटामिन होता है इनके लिए, विटामिन देना पड़ता है शुरू में, एंटीबायोटिक देना पड़ता है, कैल्शियम देना पड़ता है इनके लिए, ताकि जो वजन बढ़ाता है तो पैरों में इनकी ताकत रहे, और लीवर टॉनिक भी देते हैं हम, लीवर टॉनिक जो है इनका लीवर मजबूत रहे, खाना पचाने में आसानी रहे और भूख इनकी बढ़ती रहे। और जो है मोर्टेलिटी जो रेशियो है हमारा सिर्फ 2% की रेशियो है, अभी 18 दिन में 2% मोर्टेलिटी है हमारी, लगभग 3,500 बर्ड में हमारी 60 बर्ड की कैजुअलिटी हुई है, 60 जो है बच्चे अभी तक हमारी डेथ हुई है इसमें, 2% के आसपास हमारी मोर्टेलिटी है इसमें, 2% से भी कम है जी। और बाकी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बच्चा एकदम बढ़िया बैठा हुआ है, एकदम कम्फर्ट में बैठा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, और धीरे धीरे इसकी जगह बढ़ाते रहेंगे, इसको और स्पेस देते रहेंगे, और ड्रिंकर फीडर भी इसके साथ साथ बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये पानी के ये अभी फिलहाल हमने 1% लगा रखे हैं, अब हम इसको 1.5% करेंगे 25 दिन तक, फिर 26-25वें दिन के बाद इसको पूरा 2% ड्रिंकर और 2% इसको फीडर दे देंगे, तो 3,500 बच्चों में 70 आपके फीडर हो जाएंगे और 70 आपके ड्रिंकर हो जाएंगे, तो इनके लिए बहुत है दाना पानी खाने के लिए। पानी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका चालू हो जाएगा जी जी, तो उसके बाद इसमें मेहनत कम हो जाएगी, मेहनत फिर ना के बराबर रह जाए, लेकिन फिर भी एक आदमी यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए। अच्छा, ताकि जैसे मौसम ख़राब हो जाए, पर्दे हमारे खुले हैं, पर्दे बंद करना है, बिल्ली फार्म के अंदर ना घुस जाए, नेवला वगैरह कोई ना घुस जाए, तो वो नुकसान देगा बर्ड को। अच्छा, तो मेहनत नहीं है उसके बाद, लेकिन फिर भी एक आदमी को फार्म पे चाहिए, ताकि जो है इनको नुकसान ना पहुँचे किसी भी तरह, तूफान ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, पर्दे हमारे खुले हैं तो हवा ना लग जाए बच्चे को, तो उसको जुकाम ना लग जाए, बच्चे को जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है इसमें,
अच्छा, इनको जुखाम तो पता कैसे चल पाता है कि हम ये जुखाम में जैसे क्या होता है, बर्ड जो क्या करता है, इसका रेस्पिरेटरी जो जहाँ से सांस लेता है ये, उसमें आवाज़ आने लग जाती है। जैसे हम लोग कभी छींक कर, जैसे हमें ठंड लगती है इंसान को तो हम छींकते हैं या फिर हम खांसते हैं, तो वैसे ही बच्चा भी जो है अपने जो है उम्र के हिसाब से खांसता है, आवाज़ उसमें आने लग जाती है। बर्ड एक फॉर्म में अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें मेडिसिन कफ सिरप वगैरह बर्ड को पिलाना पड़ता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है। लेकिन ये नौबत ना आए इसलिए आप अपने पर्दों का मैनेजमेंट सही रखें, हवा जो है ऑक्सीजन आती भी रहे, ऐसा नहीं कि पूरे पर्द फार्म आपने खोल दिया बच्चा फिर एकदम से कुच्छा बनाने लग गया, वैसा ना करें। और ऊपर से वेंटिलेशन दें हमेशा। अच्छा, वेंटिलेशन वेंटिलेशन होता है जहाँ जाली लगी हुई, जाली के ऊपर से आपको वेंटिलेशन देना है। अच्छा। वेंटिलेशन ऊपर से देंगे तो बर्ड को हवा भी नहीं लगेगी और साफ सुथरी बाहर से हवा भी आती रहेगी और अंदर की जो गैस बन रही है फार्म के अंदर वो भी बाहर निकलती रहेगी। देखो सर, मैंने बहुत से फार्म देखे हैं, वहाँ से स्मेल बहुत आती है, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इस अभी यहाँ पर इतनी स्मेल नहीं है। बिल्कुल, तो मतलब उन स्मेल आने का कारण यही है कि मैंने आपको बताया ना, देखो टाइम पे आप बच्चे को जगह नहीं दोगे। जी, ठीक है, एक छोटी सी जगह में आप ज़्यादा दिन तक बच्चे को रखोगे तो बच्चा भीड़ बनाएगा, भीड़ बनाएगा तो वो क्या करेगा, अमोनिया बनाएगा फिर। अच्छा। तो अमोनिया बनाएगा, पानी जैसे पी रहा है, पानी पीते पीते कभी ड्रिंकर आपका लीक हो गया या फिर पानी पीते टाइम बच्चे ने पानी गिरा दिया, तो आपने उसमें रैकिंग करनी है डेली। अच्छा, डेली रैकिंग करेंगे, रैकिंग का मतलब इसमें गुड़ाई करेंगे डेली। तो फार्म को आपको सूखा रखना है, अगर आपका फार्म सूखा रहेगा और आबादी में भी आपका फार्म है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। स्मेल का प्रॉब्लम, स्मेल का प्रॉब्लम मेन, अगर ऑब्जेक्शन तभी आएगा जब अगल बगल में अगर किसी के घर हैं और स्मेल आपके फार्म से आ रही है तभी ऑब्जेक्शन है। अगर आपने फार्म को एकदम सूखा रखा हुआ है, आपने बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी जो है कोई शिकायत नहीं है अगल बगल से। जैसे हमारे अगल बगल में आप देखेंगे काफ़ी घर हैं, लेकिन हम 5 साल से घर अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं आई। तो सूखा रखना है आपको फार्म को। अच्छा, तो बुरादा आप बिछाएं, अभी फिलहाल मार्च तक आप बुरादा बिछाएं, उसके बाद चावल की कनकी आती है, चावल की भूसी आती है, गर्मियों में वो बिछाएं, तो स्मेल वगैरह आप टाइम पे बच्चे को जगह देंगे, फार्म को सूखा रखेंगे, नीचे जो बिछावन हमने बिछाई हुई है लकड़ी की जी, वो सूखा रखेंगे तो नहीं दिक्कत आएगी फिर, बुरा जो है आपका गैस वगैरह और बदबू वगैरह नहीं आएगी, बच्चा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर गीला रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी खराब रहेगी, बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी फार्मों में। अच्छा, अभी देखो पूरा फार्म पे बच्चा हमारा देखो फैला हुआ है, बच्चा चिपक नहीं रहा है, झुंड नहीं बना रहा है, एक दूसरे पे के ऊपर गुच्छा नहीं बना रहा है, एकदम एक एक बच्चा अलग अलग कोने में बैठा हुआ है, उसको बढ़िया टेम्परेचर मिल रहा है, दाना पानी भी बढ़िया उठा रहा है, और जो है बाकी ठीक ही चल रहा है। मोर्टेलिटी रेशियो अभी फिलहाल नहीं है, शुरू में हल्की फुल्की मोर्टेलिटी होती है, एक हफ्ते में डेथ होती है इनके बच्चों की, लेकिन एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे डेथ कम हो जाती है। डेली फीड के हिसाब से कम अपना जो है वज़न 50 ग्राम से 100 ग्राम तक डेली बढ़ा सकता है। अभी कितना वजन होगा इनका? अभी लगभग इनका 700 ग्राम वज़न है। 700 ग्राम जी, 700 ग्राम का पर एक बच्चा 700 ग्राम के आसपास है। अच्छा। 700, 680, 720 जी, 650 ऐसे करके इनका वजन, मेल फीमेल है, मेल का वजन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फीमेल का जो है 10-20-30 ग्राम वजन कम रहेगा। इसमें सर हम चेक कैसे कर पाएंगे कौन मेल है कौन फीमेल है? मेल का ऐसा होता है, देखो मेल फीमेल छांटने का ये होता है कि जैसे मेल की जो सर की जो कलंगी होती है वो जल्दी आ जाती है, रेड कलंगी हो जाती है उसकी, फीमेल की कलंगी नहीं आती, फीमेल का जो है थोड़ी साइज में स्मॉल रहती है। अच्छा। उसके पंख जल्दी भर जाते हैं फीमेल के, और पूंछ उसकी लंबी रहती है, मेल का जो है मेल जो है रहता जो है काफ़ी बड़ा रहता है फीमेल से, और जो है लाल कलंगी रहती है उसके सर पे, अभी नहीं दिखेगी आपको, लगभग किलो के आसपास जब बड़ा आ जाएगा तो किलो के आसपास आपको मेल फीमेल छांटने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा इसमें बीमार जो है फीमेल ही होती है, मेल का इसमें कम बीमार होता है, तो इसलिए वेंटिलेशन से फीमेल बीमार जल्दी हो जाएगी। अच्छा, मेल इसमें कम बीमार होता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी रावत जी आपने। जी जी जी, और हम जरूर आगे मिलते हैं, अपने दर्शकों से भी बात करवाएंगे आगे जब ये बच्चा और बड़ा होगा, और कितनी सावधानी है, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, स्टेप बाय स्टेप जो बताया, शायद ही इतना कोई आपको बताए। दाना है ये बड़े के लिए होगा अभी? ये अभी जो दाना चल रहा है हमारा स्टार्टर दाना चल रहा है, ये छोटे मिडिल का दाना चल रहा है, बीच का सेकंड नंबर का दाना चल रहा है ये। जी जी, तो स्टार्टर चल रहा है ये, अभी स्टार्टर चल रहा है, इसके बाद जब ये किलो के आसपास हो जाएगा, किलो 1200 ग्राम 25 दिन का हो जाएगा, तो 25 दिन के बाद इसमें फिनिशर लगेगा। अच्छा। तो अभी स्टार्टर का दाना है हमारा वेंकीस कंपनी का। अच्छा, तो उसके बाद हम फिनिशर लगाएंगे, फिनिशर भी वेंकीस का ही लगाएंगे हम। कुछ भी पूछना चाहे तो बेझिझक संपर्क करें और फार्म के बारे में जरूर पता करें। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।